हाय एवरीवन, यहाँ पर आज की रीडिंग है कि आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चैनल मैसेज आ रहा है गाइस कि आप लोग के लाइफ में, जीवन में बहुत ढेर सारे संघर्ष आए थे, बहुत ढेर सारा जो सिचुएशन था वो असहनीय था एक दूसरे के साथ, यानी कुछ ना कुछ ऐसी दर्द पीड़ा या परेशानियाँ आपके लाइफ में आ गई थी गाइस, जो दोनों पार्टनर को बहुत तकलीफ़ दे रही थी या परेशानियां हो रही थी आप दोनों को, दोनों पार्टनर को हो रही थी। लेकिन आप दोनों का जो साथ है, आप दोनों का जो सहयोग है, वो डिवाइन भी नहीं तोड़ पाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है गाइस कि जो आपका रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही बॉन्डिंग वाला है, बहुत ही ट्रू वाला है, बहुत ही सच्चा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला है। इसके लिए आपका जो रिलेशनशिप है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। आपका रिलेशन बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत वाला है गाइस। देखते हैं आपके लिए रिलेशन के लिए क्या निकल कर आ रहा है गाइस। यू आर द प्रोटेक्टेड, यानी आप कहीं ना कहीं से गाइस प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया है, सुविधा दिया है या आपको सुरक्षित रखा है, आप दोनों के साथ को, आप दोनों के प्यार को। तो आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगफुल है, और एक दूसरे से आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दोनों खुद को सेव किए हैं और ईश्वर ने भी, गॉड ने भी आपको सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है गाइस। द राइट पाथ, आप दोनों राइट पाथ पर चल रहे हैं, यानी अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके लाइफ में, दोनों पार्टनर मेल या फीमेल में, तो आप भी अपने जगह पे सही हैं और फीमेल भी अपने जगह पे सही हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है गाइस, तो इसमें डोंट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिलेशन है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, चाहे परिवार वाले, फैमिली वाले, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई और, आपके रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आप अपने जगह पे राइट हैं, दोनों पार्टनर अपने अपने जगह पे सही हैं। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुदृढ़ होने वाला है आने वाले समय में। आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा गाइस। लिव इन प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में जिएं, आप अपने लाइफ को वर्तमान में जीने की कोशिश करें। जो पुरानी बातें हैं, पुरानी पास्ट की बातें, उसको छोड़िए गाइस। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी तकलीफें हुई हैं, उनको आप छोड़िए, तभी जाके आपकी लाइफ जो है ट्रैक पर आएगी, सही रास्ते पर आएगी। आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आपका ट्रैक थोड़ा सा, जो दिशा है वो आप थोड़ा दिशाहीन हो गए हैं, उसको संभालने की कोशिश करिए, उसको आप सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट में जिएंगे तो आपके बीच जो भी तकलीफें आई थी, दुख दर्द पीड़ा जो भी आप समझ सकते हैं, वो दूर हो जाएगी गाइज, और आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत बनेगा गाइज। यहाँ पर दिया गया है गाइज कि रियलाइज ऑन योर सेल्फ, यानी आप अपने को रियलाइज करें, अपने पर खुद पर विश्वास रखें, खुद पर भरोसा रखें। मेल फीमेल दोनों को बोला जा रहा है कि यहाँ पे दोनों लोग अपने अंदर जो है रियलाइज एंड यू योर सेल्फ, यानी अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस से भरे रखें, अपने को थोड़ा सा स्पेस दें, फ्रीडम दें, एक दूसरे को थोड़ा सा समय दें समझने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, और एक दूसरे की गलतियों को रियलाइज़ करें, अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करें, उसके बाद आपकी जो रास्ता है वो एकदम सही ट्रैक पे जाएगा, सही दिशा में जाएगा। थोड़ा सा आपको ट्रूथ पर ध्यान देना है, थोड़ा हीलिंग पर ध्यान देना है अपने, उसके बाद अपनी लाइफ देखिएगा कितना ग्रो करेगा, कितना अबंडेंस से भरा रहेगा। आपके लाइफ में गाइस फॉलो थॉट, कभी कभी अपने दिमाग की भी सोचिए, कभी कभी अपने विचारों को भी एफर्ट डालिए, कभी कभी अपने विचारों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, कभी कभी अपने दिल को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है
आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप दोनों के बीच जो भी लेसन चल रहा है, वाइफ हस्बैंड या पार्टनर के बीच में, स्पाउस के बीच में, जो भी आप दोनों पार्टनर के बीच में, पहले सबसे पहले अपने को सीखना है। यानी जो भी आप कर रहे हैं पहले खुद देखिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। दोनों मेल फीमेल दोनों पहले वो करिए, फॉलो द थॉट करिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो उनको स्वीकार करने की कोशिश करिए, तभी जाके आपकी लाइफ जो है अच्छी होगी। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आपके लाइफ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। और ईश्वर के द्वारा तो आपको ब्लेसिंग मिल गया कि आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन उसमें भी आपका भी एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिलेशन जो है वो मजबूत हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया गाइस, तो यहाँ पे दिया गया कि आप दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए परिवर्तन करेंगे, तभी आप सुखी जीवन जी पाएंगे गाइस। यही रीडिंग थी। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपसे मैच खाता है, थोड़ा कुछ भी आपको ऐसा मोटिवेशन लगता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।